पहला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कौन सी जलवायु पाई जाती है ठीक है तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों छत्तीसगढ़ में कौन सी जलवायु पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती है उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में पाई जाती है क्यों पाई जाती है उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है आपके सामने में यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसमें से जो है ये कर्क रेखा साय साढ़े तेईस डिग्री पे जो है कर्क रेखा पृथ्वी पे रेखांकित है दोस्तों तो ये छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये कर्क रेखा पे पड़ता है या कह सकते हो कि कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ स्टेट के इन तीन जिलों से गुजरती है ये जिले आप देख सकते हैं कोरिया है सूरजपुर है और ये बलरामपुर ठीक है ये तीनों जिलों से जो है ये कर्क रेखा क्रॉस करती है तो साढ़े डिग्री जो होता है दोस्तों है ना वो कौन सा क्षेत्र होता है साढ़े तेईस डिग्री के अगर ऊपर बात करें उत्तरी क्षेत्र में बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है पृथ्वी पे और इसके नीचे बात करें तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है ठीक है शून्य डिग्री तक जो होता है भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा की सीमा तक जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र माफ किया जाओ उष्ण कटिबंधित क्षेत्र होता है ठीक है ना तो शून्य से साढ़े तेईस मतलब शून्य से यानी कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक की जो दूरी होती है वो क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और छत्तीसगढ़ में आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं पूरा मैदानी क्षेत्र है पूरा दक्षिणी क्षेत्र ये टोटल आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत इसीलिए कहते हैं दोस्तों की छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो मुख्यतः जो है उष्ण मानसूनी जलवायु है कारण क्या है क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है कर्क रेखा से कर्क रेखा पे पड़ता है या कह सकते हैं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से क्षेत्र से गुजरती है ठीक है इस हिसाब से हम इस चीज को डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ये जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधी मानसूनी क्षेत्र है अगला प्रश्न है दोस्तों साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से गुजरती है तो अभी मैंने बताया आपको समझाते हुए कि साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है ये किन जिलों से गुजरती है कोरिया सूरजपुर और बलरामपुर इन तीन जिलों से जो है दोस्तों ये गुजरती है ठीक है और कोरिया छत्तीसगढ़ का ऐसा uh, एक जिला है दोस्तों जहां से साढ़े तेईस डिग्री कर्क रेखा और देशांतर रेखा दोनों आपस में क्रॉस होती है ठीक है ये प्रश्न भी पूछता है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है तो सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला कौन सा है दोस्तों चांपा जो है वो सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला है छत्तीसगढ़ का दोस्तों ठीक है आप समझ सकते हो कि कर्क रेखा पे पड़ता है ठीक है इस कारण से जो है ये बीच में पड़ता है मतलब भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों के बीच में जो है यहाँ पे आता है ठीक है करकर जस्ट नीचे पड़ता है आपका चापा वगैरह ठीक है जांजगीर चापा तो यहाँ पे जो है होता क्या है कि गर्मियों के दिन में जो धरती का बीच का वाला एरिया है भूमध्य रेखी वाला क्षेत्र है ना करेखा -कर का क्षेत्र है यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो है ना सूरज का प्रकाश पड़ता है ठीक है डायरेक्ट आती रोशनी इसके चलते क्या आती गर्म जो है गर्मी जो है सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में पड़ती है अगला प्रश्न है दोस्तों अच्छा सबसे गर्म जिला तो जो है चांपा है सबसे ठंडा भी बात कर लेते हैं सबसे ठंडा स्थान कौन सा है तो मैन पार्ट है दोस्तों, ये है ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण चलिए अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ की औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर है तो कितने सेंटीमीटर है दोस्तों 120 से लेके 125 सौ सेंटीमीटर जो है ये औसत वर्षा जो है छत्तीसगढ़ में होती है लगभग ठीक है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है आबूजमार क्षेत्र में होती है दोस्तों जो कि नारायणपुर जिले में पड़ता है करीब एक सौ शून्य सेंटीमीटर की वर्षा जो है वहाँ पे होती है और इसी कारण जो है आबूजमार को छत्तीसगढ़ का पूंजी भी कहते हैं इस बात को भी आप ध्यान में रखना सबसे कम वर्षा कहाँ होती है कबीरधाम क्षेत्र के कवर्धा जनपद में जो है दोस्तों जो मैकल रेंज है मैकल श्रेणी है उस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है क्यों होती है क्योंकि जो मैकल क्षेत्र है ना वो विष्टि चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा किस कारणों से होती है ठीक है तो किन कारणों से होती है पश्चिमी गर्द के कारण ये शीतकालीन वर्षा होती है दोस्तों या कह सकते हैं कि लौटते मानसून के चलते होती है और पूरे देश में होता है ठीक है ना ये चीज आपको ध्यान में रखना है चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा की प्राप्ति किन शाखा से होती है ठीक है किस शाखा से होती है देखिए भारत में जो मानसून आता है दोस्तों उसकी दो शाखाएं होती है एक अरब शाखा होती है और एक आपकी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होती है ठीक है ये दो शाखा होती है आज तक बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि जो है बंगाली खाड़ी से वर्षा होती है बंगाली खाड़ी से वर्षा होती है ठीक है लेकिन डीपली आपको बता दें दो सागर पर समुद्र पड़ता है ठीक है तो अरब सागर से भी होता है और बंगाल की खाड़ी से भी होता है ठीक है अरब सागर भारत के पश्चिमी क्षेत्र वाला और इधर आपका पूर्वी क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी वाला पड़ता है ठीक है तो दोनों से ही जो है वर्षा होती है भारत में लेकिन भारत में जो है ना अरब वाला शाखा से सबसे ज्यादा वर्षा होता है लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करेंगे ना तो छत्तीसगढ़ में जो है बंगाल की खाड़ी से जो 90 नब्बे प्रतिशत तक वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से या इस शाखा से होती है और करीब मान के चलिए दस प्रतिशत के आसपास जो है अरब आ, शाखा से होती है यदि आपके ऑप्शन में बंगाल प्लस अरब दोनों आते हैं ना तो आपको उसी को लगाना है लेकिन यदि एक एक करके आता है कि बंगाल की खाड़ी से होती है कि आपके अरब शाखा से होती है ठीक है ऐसे एक एक करके अलग अलग चार ऑप्शन आते हैं तो आपको बंगाल की खाड़ी को जो है टिक करना है चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं ठीक है तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की बात अब मैं कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ पूरा राज्य जो है इनमें जो सबसे ज्यादा ज्यादा वर्षा किस किस क्षेत्रों में होती है तो अगर हम जो है ये मैप देख लेते हैं इस मैप के अनुसार अगर देखें दोस्तों तो दंडकारण्य क्षेत्र जो होता है जो कि दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है अधिकतम वर्षा ये मतलब एक मान लीजिए 1500 मिलीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है इस क्षेत्र में ठीक है ना तो ये पूरा दंडकारण्य क्षेत्र मतलब टोटल दक्षिणी क्षेत्र छत्तीसगढ़ का ये आपका जशपुर वाला क्षेत्र ऊपर में और ये आपका रायगढ़ बेसिन वाला क्षेत्र है इन जो क्षेत्रों में तीनों क्षेत्रों में जो है दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में ठीक है पर्टिकुलर अगर जगह की बात करोगे तो आभुज मार क्षेत्र में होता है लेकिन यदि क्षेत्रों की बात करोगे कहाँ कहाँ हो रहा है भाई सबसे ज्यादा वर्षा तो गंडकारियान क्षेत्र में होती है ठीक है रायगढ़ बेसिन में होती है और जशपुर क्षेत्र वगैरह में होता है अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ठीक है तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं देखिए यदि हम ऐसे बात करेंगे ना वनों का कि किस प्रकार के पाए जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में अगर सीधे शब्द में बात की जाना तो मानसूनी वन पाए जाते हैं लेकिन अगर हम उसका वर्गीकरण कर दें तो वर्गीकरण में दो प्रकार के वन बन जाते हैं मुख्य रूप से एक आपका उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन और दूसरा आपका उष्ण कटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन ठीक है लेकिन इनमें जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मात्रा की अगर बात करें तो कौन से वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधी शुष्क छत्तीसगढ़ में अधिकांश जो हैं या ज्यादातर इसी प्रजाति के वन जो हैं छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं ठीक है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन जो हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन किसे कहते हैं दोस्तों जो गर्मी आने के पहले अपने पत्ते जो हैं झड़ा देती है ठीक है ना चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्रफल कितना है ठीक है तो अब हम क्षेत्रफल के अनुसार मैं प्रश्न लिया हूँ क्षेत्रफल कितना है ये जो प्रश्न है ना काफी महत्वपूर्ण है प्रतिशत वाला क्षेत्रफल वाला ये लगभग लगभग पीएससी वगैरह तक के परीक्षाओं में भी देखने के लिए मिलता है तो छत्तीसगढ़ में कुल कुल वन क्षेत्रफल कितना है तो कितना है दोस्तों उनसठ वर्ग किलोमीटर ठीक है और यदि हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो कितना है चौवालिस दशमलव दो प्रतिशत जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ की बात करो में वन क्षेत्र प्रतिशत है देश के अगर हम कंपेयर करें कि भारत में में जो है छत्तीसगढ़ में जो वन है भारत के हिसाब से कितना प्रतिशत है तो देश के अनुसार जो है बारह दशमलव दो प्रतिशत वन केवल छत्तीसगढ़ में है अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं तो 44.2 दशमलव दो प्रतिशत है और यदि इसी इसको हम जो हैं वर्ग किलोमीटर में देखते हैं तो उनसठ हजार सात सौ बहत्तर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है छत्तीसगढ़ में वन पाए जाते हैं अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको और समझा देता हूं इसको क्योंकि कहीं-कहीं आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें जो वनोपी रिपोर्ट है ना छत्तीसगढ़ में वो दो प्रकार का रिपोर्ट है ठीक है एक तो है आपका छत्तीसगढ़ वन मंत्रालय का और दूसरा होता है दोस्तों मेरे पड़ता है दोस्तों यानी कि की भारत सरकार का रिपोर्ट से साधारण शब्दों में समझो ठीक है तो जो छत्तीसगढ़ वन मंत्रालय है उसका जो आंकड़ा है वो थोड़ा अलग है और आपका जो भारत सरकार ने आंकड़ा जारी किया है सभी राज्यों का उसमें छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा जारी किया है वो थोड़ा सा अलग है ठीक है चलिए देखते हैं कौन कौन से आंकड़े जारी किए हैं देखिए अगर हम छत्तीसगढ़ के हिसाब से बात करते हैं छत्तीसगढ़ वन मंत्रालय के अनुसार भाई हमारे राज्य में कितना वन है कितना प्रतिशत है तो छत्तीसगढ़ वन मंत्रालय की माने तो छत्तीसगढ़ में कल कुल वन क्षेत्रफल कितना है दोस्तों उनसठ वर्ग किलोमीटर लेकिन मैंने आपको बताया कि यदि भारत सरकार की माने ठीक है भारत सरकार मतलब जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है आई एस एफ आर का जो कि देहरादून में पड़ता है दोस्तों इनके अनुसार यदि हम माने तो छत्तीसगढ़ में जो वन क्षेत्रफल है दोस्तों वो पचपन वर्ग किलोमीटर है ठीक है और यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ वन मंत्रालय के अनुसार कि छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत वन है तो चवालीस दशमलव दो प्रतिशत वन जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ वन मंत्रालय के अनुसार है लेकिन अगर भारत सरकार की रिपोर्ट को देखें तो वो कहता है कि छत्तीसगढ़ में तिरालीस दशमलव नौ दो प्रतिशत वन है दोस्तों छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो छत्तीसगढ़ का मानना है कि हम जो है पूरे देश में वन के मामले में चौथे स्थान पे आते हैं ठीक है मतलब हमारा हमारे पास जितना वन है उसके अनुसार क्रम को देखा जाए तो चौथे क्रम पे आते हैं देश में ये छत्तीसगढ़ शासन कहती है ठीक है मतलब पहले नंबर पे मध्य प्रदेश आता है दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है तीसरे में उड़ीसा और चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ का स्थान आता है परंतु यदि हम भारत सरकार की रिपोर्ट को देखते हैं कि भारत सरकार क्या कहती है भाई भारत सरकार के अनुसार जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है वो भारत में तीसरा स्थान है मतलब पहला वो मध्य प्रदेश को मानती है दूसरा अरुणाचल प्रदेश को मानती है और तीसरा जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य को सर्वाधिक वन क्षेत्र फल वाला जो है राज्य मानती है दोस्तों ठीक है तो ये दोनों अंतर आपको पता रहना चाहिए दोनों ही आंकड़ों से जो है परीक्षाओं में प्रश्न छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलते रहते हैं तो आपको दोनों ही पता रहना चाहिए ठीक है चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं ठीक है मतलब सबसे ज्यादा वन जो है क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ में कहाँ पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में जो दोस्तों सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं ठीक है अब बात कर रहे हैं जब सबसे ज्यादा वन नारायणपुर में पाए जाते हैं तो सबसे कम कहाँ पाए जाते होंगे दुर्ग में पाए जाते हैं ठीक है दुर्ग और बेमित्रा दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों जहां सबसे कम वन जो है पाए जाते हैं क्षेत्रफल के अनुसार लेकिन यदि प्रतिशत में मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया कि प्रतिशत में भाई सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं कौन से जिले में प्रतिशत कम और दुर्ग में सबसे कम वन है प्रतिशत के अनुसार भी ठीक है दोनों ही सेम आंकड़े है आपको ध्यान में रखना है सरल भी है देखो मैं थोड़ा सवाल बताता हूँ कैसे याद रखोगे आबूज मार जो जंगल है ना वो नारायणपुर में पड़ता है ठीक है आबूजमाड़ में आज तक तो कोई प्रवेश नहीं कर पाया था ना जब आज से दो साल पहले आर्मी घुसी थी तो आई थी पहली बार आर्मी उसमें घुसी एकदम आबूजमाड़ है जंगल घना तो आप समझ जाओ यार जहां ज्यादा जंगल है वहां पर सबसे ज्यादा वन है और दुर्गा अब शहर घूमे होंगे जो बच्चे वो देखते होंगे दुर्ग में थोड़ा भी जंगल नहीं है ठीक है ना चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन कितने प्रतिशत हैं तो अब जो है वनों के अनुसार हम बांटें तो वन छत्तीसगढ़ में तीन प्रकार के होते हैं एक आरक्षित वन होते हैं एक संरक्षित होता है एक अवर्गीकृत होता है ठीक है तो इनमें बोल है आरक्षित वन जो है कितने प्रतिशत हैं तो कितना प्रतिशत है तिरालीस दशमलव एक तीन प्रतिशत जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल परीक्षाओं में देखने के लिए मिलता ही है ठीक है और यदि बात कर लेते हैं लगे हाथ संरक्षित और अवर्गी का तो संरक्षित वन कितना है चालीस दशमलव दो एक प्रतिशत है और अवर्गीय कित जो है सोलह दशमलव छः चार प्रतिशत के आसपास है ठीक है तो ये काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है दोस्तों आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ का लाख उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ठीक है तो लाख उत्पादन में भारत में पूरे इंडिया में कौन सा स्थान है तो पहले क्रम पे कौन आता है झारखंड राज्य आता है ठीक है झारखंड जो है वो लाख उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है और द्वितीय स्थान जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ राज्य रखता है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इमारती लकड़ी किस जिले से प्राप्त की जाती है काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों तो सबसे ज्यादा इमारती लकड़ी जो है किस जिले से प्राप्त की जाती है बस्तर जिले से जो है दोस्तों इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है आप जानते हैं कि बस्तर को जो है ना वो साल वनों का द्वीप भी कहते हैं और साल जो है इमारती लकड़ी है ठीक है ना तो सबसे ज्यादा जो इमारती लकड़ियां हैं वो बस्तर से ही प्राप्त की जाती हैं अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तेंदू पत्ता उत्पादक जिला कौन सा है तो जहां जहाँ पत्ता जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है दोस्तों ये वन उपज होता है छत्तीसगढ़ में तो ये सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से जिले में होता है ये कह रहे हैं ना मतलब उत्पादक जिला कौन सा है ठीक है मतलब प्रोडक्शन जो है खेती में कहाँ करते हैं इसमें सबसे ज्यादा तो कहाँ करते हैं दो जगह करते हैं एक आपका सरगुजा डिस्ट्रिक्ट और दूसरा आपका बस्तर मतलब छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी दोनों क्षेत्रों में सर्वाधिक उत्पादक जिले हैं ये पत्ता का ठीक है और इसका ना एक प्रश्न आया था कि एक मानक बोरा जो होता है तेंदुपत्ता का उसमें कितना तेंदुपत्ता होता है ठीक है तो ये जो मानक बोरा हो होता है दोस्तों तेंदुपत्ता का उसमें लगभग जो है पचास हजार के आसपास जो है तेंदुपत्ता भरे जाते हैं दोस्तों एक मानक बोरा में और अभी जो है पहले उसका ढाई हजार रुपया मानक बोरा था एक बोरे के रेट अब जो है चार हजार रुपया हो गया ठीक है तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों जानकारियां ये चीज तो याद रखना है आपको बिल्कुल परीक्षाओं में पूछते रहता है अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं अब देखिए आरक्षित वनों की बात कर रहा हूं मैं मैंने आपको बताया कि आपको तीन प्रकार के वन होते हैं संरक्षित आरक्षित और अवर्गीकृत ठीक है ना तो इनमें जो है सबसे ज्यादा आरक्षित वन जो है दोस्तों वो किस जिले में पाए जाते हैं दोस्तों ठीक है तो ये पाया जाता है आपका दंतेवाड़ा में ठीक है ना दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा आरक्षित वन पाए जाते हैं कितना प्रतिशत बताया मैंने आपको िस दशमलव एक तीन प्रतिशत आरक्षित वन छत्तीसगढ़ में है कुल cool, है ना लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कहा पाए जाते हैं दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा आपको आरक्षित वन देखने मिलेंगे मतलब यहाँ कोई व्यक्ति आम आदमी व्यक्ति स्थानीय लोग जा नहीं सकते हैं लकड़ी उकड़ी कटाई वगैरह नहीं कर सकते टोटल प्रोटेक्टेड रहता है थोड़ा भी उसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते हो ठीक है ना कुछ काट नहीं सकते हो जानवर को चरा नहीं सकते हो है ना इस टोटल प्रवेश जो है वर्जित रहता है और यदि बात करते हैं सबसे कम कहाँ पाया जाता है यदि प्रश्न आ गया कम कहा पाया जाता है आरक्षित वन तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम वन पाया जाता है ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं किस तरह के वन क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को लघु वन संग्रहण एवं पशु चारण की अनुमति होती है तो किस तरह की वन होती है दोस्तों संरक्षित वनों में होती है ठीक है संरक्षित वन जो कितना चालीस दशमलव दो एक प्रतिशत संरक्षित यहाँ पे ना थोड़ा सीमित में ऐसा नहीं कि अनुमति होती नहीं तो एक ही दिन में काट डालेंगे सारा जंगल है ना लोगों को वो आप मतलब उनकी आवश्यकताएं जो है कभी खत्म नहीं हो सकती है उनको अगर आप दे दोगे छूट तो पूरा जंगल एक दिन में साफ कर देंगे भैया तो उनको सीमित छूट होती है स्थानीय लोगों को कि भाई आप जा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं पशुओं को जो है आप चरा सकते हैं ठीक है चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं साल वनों के लिए प्रसिद्ध केशकाल घाटी किस जिले में स्थित है तो केशकाल घाटी किस जिले में स्थित है दोस्तों कोंडा गांव में जो है केशकाल घाटी स्थित है दोस्तों ठीक है आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल समझना है दोस्तों तो पिछले साल का वीडियो जो है पढ़ा हुआ है छत्तीसगढ़ का भूगोल का काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया पूरा थ्योरी वीडियो है ठीक है ना ऑब्जेक्टिव नहीं है थ्योरी वीडियो है मैं आपको वीडियो के सबसे अंतिम में जो वीडियो खत्म होगा ना ये वाला तो अंतिम में उसका दे दूंगा लिंक वहां आपको दिख जाएगा जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ करके मस्त दस बारह वीडियो है आराम से जाके देखिए पूरा डिटेल में पूरा छत्तीसगढ़ समझाया गया है और अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया आपको याद हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ में साल वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि साल वन जो है वो छत्तीसगढ़ में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं तो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं चौबीस 24, हजार दो सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैले हुए हैं दोस्तों ठीक है और बस्तर को जो है साल वनों का द्वीप भी कहते हैं ठीक है और छत्तीसगढ़ का राज्य की यदि कोई वृक्ष है तो कौन सा है साल है ये बात भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं प्रजाति के अनुसार सर्वाधिक कौन से वन छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं ठीक तो है तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है यदि पूछता है आपको कि कौन कितने प्रकार के वन हैं तो तीन प्रकार के वन हैं आरक्षित संरक्षित अवर्गीकृत लेकिन यदि प्रजाति के अनुसार पूछता है भाई कि कितने प्रकार के वन हैं तो प्रजाति के अनुसार मुख्य रूप से तीन वन बांटे जाते हैं एक साल वन दूसरे सागवान के वन और तीसरे मिश्रित वन ठीक है और प्रजाति के अनुसार जो है ये तीन प्रकार के वन पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन से हैं इसमें तो सर्वाधिक कौन सा है मिश्रित वन जो होता है वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं ठीक है हर प्रकार के मतलब उसमें वृक्ष हैं ठीक है कितना प्रतिशत है तिरालीस दशमलव पांच दो प्रतिशत होता है ठीक है और बाकियों को भी देख लेते हैं जैसे साल जो है वो चालीस दशमलव छह प्रतिशत होता है सागौन के जो वन व कितना है नौ दशमलव चार दो प्रतिशत है ठीक है तो इसका क्रम वगैरह भी पूछ सकता है तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि मिश्रित वन ही सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़ में आपको तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि अरे साल वन तो राजकीय वृक्ष है जरूर ये ज्यादा होगा तभी राजकीय वृक्ष बनाया गया होगा ऐसा नहीं है ठीक है ना सबसे ज्यादा मिश्रित वन है फिर साल के वन है फिर आपके सागौन के वन आते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ में कितने वन वृत्त हैं ठीक है मतलब कि कितने फॉरेस्ट सर्कल हैं तो कितने दोस्तों छह जो हैं वो वन वृत्त हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में ठीक है सबसे बड़ा जो है ना वो कौन सा है बिलासपुर वन वृत्त जो है वो सबसे बड़ा वन वृत्त है दोस्तों ठीक है देखिए इनकी जो प्रशासनिक संरचना होती है वो किस तरह से होती है सबसे पहले जो होता है दोस्तों विभाग जो होता है इस वन का वो सबसे शीर्ष पे कह सकते हैं वो कौन सा होता है राज्य वन विकास निगम होता है जो एक है रायपुर में ठीक है ये सबसे शीर्ष पे होता है उसके नीचे फिर ये वन वृत्त वगैरह होता है जो कि छह भागों में बटा हुआ है और यदि हम इसके भी अंडर बात करते हैं कि इसके अंदर फिर कौन सा रहता है तो इसके अंदर वन मंडल होते हैं ठीक है जहाँ पे डी एफ ओ वगैरह अपॉइंट होते हैं करीब चौतीस के आसपास जो है दोस्तों वन मंडल छत्तीसगढ़ में है फिर वन मंडल के नीचे वन आ, उप वन मंडल होता है फिर उप वन मंडल के नीचे क्या होता है वन परिक्षेत्र होता है और फिर वन परिक्षेत्र के नीचे सहायक वन परिक्षेत्र होता है और सहायक वन परिक्षेत्र के नीचे जो सबसे छोटा होता है या जो सबसे इकाई होती है प्राथमिक इकाई या पहली सीढ़ी जो होती है वो होता है वन बीट जहाँ फॉरेस्ट घाट वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं ठीक है ना दोस्तों तो ये इनका क्रम होता है कि सबसे पहले राज्य वन विकास निगम उसके नीचे वन वृत्त उसके नीचे 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 वन 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 मंडल मंडल वन मंडल के उप फिर फिर उसके उसके जो होता है परिक्षेत्र सहायक वन परिक्षेत्र और सबसे नीचे जो होता है वन बीट होता है दोस्तों करीब बत्तीस से ज्यादा के आसपास जो है वन बीट जो है छत्तीसगढ़ में है दोस्तों ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ कितने औद्योगिक वन, वन परियोजना मंडल हैं ठीक है छत्तीसगढ़ तो में कितने औद्योगिक वन परियोजना मंडल हैं तो कितने औद्योगिक वन परियोजना मंडल हैं दो हैं ठीक है कौन कौन से हैं कोरबा और जगदलपुर औद्योगिक वन परियोजना मंडल हैं दोस्तों ठीक है तो ये था दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोगों ने आज देखा जलवायु और आपका वन संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को ठीक है देखिए सहायक परीक्षा डेट अभी नहीं हुआ है ये आने वाले दिनों में आपको जल्द से जल्द देखने के लिए मिलेगा मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ पंचायत चुनाव खत्म होगा उसके बाद ही ये परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी सहायक ग्रेड तीन की मतलब ये एग्जाम लगभग लगभग फरवरी में जाएगा ठीक है वर्तमान में 30 तारीख को जो है आपकी सुरक्षा पहरी का परीक्षा है दोस्तों सुरक्षा पहरी का एग्जाम हो ये माफ कीजिएगा सुरक्षा पहरी का पाठ्यक्रम हो या कह सकते हैं सहायक ग्रेड तीन का पाठ्यक्रम हो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन का सेम सिलेबस है बिल्कुल ए टू जेड सिलेबस है थोड़ा भी एक शब्द का भी अंतर नहीं है तो ये जो वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ सुरक्षा पहरी का दिया हूँ या सहायक ग्रेड तीन का दिया हूँ छत्तीसगढ़ से संबंधित ये दोनों ही एग्जाम के लिए एकदम सेम है है ना बिल्कुल आप चाहे तो जाके सहायक ग्रेड तीन का भी वीडियो देख सकते हो वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ठीक है तो दोनों ही परीक्षाओं के लिए समान रूप से ये वीडियो जो हैं, काफी है काफी महत्वपूर्ण है भूगोल और अच्छी तरह से देखने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ करके या वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट जहाँ आप जाके डिटेल वीडियो जो है आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों तो आशा है दोस्तों आपको तो वीडियो काफी पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट